हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट का चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे इस चैप्टर का नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट के बारे में बात करें उससे पहले ज़रूरी है दो टर्म्स के बारे में जानना। फर्स्ट टर्म इज़ इफेक्टिवनेस एंड सेकेंड टर्म इज़ एफिशेंसी। सबसे पहले बात करते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस होती क्या है। क्योंकि हम बिज़नेस पढ़ रहे हैं तो मैं बिज़नेस टर्म में ही बात करूँगी इफ़ेक्टिवनेस की। जब भी हम कोई अपना टास्क टाइम पर कंप्लीट करते हैं या फिर जब भी कोई हमारा गोल हम टाइम पर अचीव करते हैं उसे हम बोलते हैं इफ़ेक्टिवनेस। देन सेकेंड टर्म है हमारा एफिशिएंसी। तो जब भी हम अपने अब हमने अपना गोल तो अचीव कर लिया, हमने अपना टास्क तो कंप्लीट कर लिया, बट द पॉइंट इज़ दैट कि जो हमने अपना टास्क कंप्लीट किया है उसमें हमने कितने रिसोर्सेज का यूज़ किया है। तो जब भी हम अपने टास्क को टाइम पर कंप्लीट करते हैं विद मिनिमम कॉस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारा जो रिसोर्सेज का अमाउंट है वो कम रहना चाहिए। मिनिमम कॉस्ट पर जब हम कुछ भी टास्क को कंप्लीट करते हैं उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इन्हीं दो चीज़ों को मिलकर बना रहता है। अगर हम मैनेजमेंट की एक सिंपल डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये डेफिनेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर आप इसको ईजिली लर्न भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपनी चीज़ों को पूरा कर पाते हैं, हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आई होप अब आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम बात करें इस डेफिनेशन के बारे में तो इसमें हमारे तीन टर्म्स यूज़ हुए थे। पहला प्रोसेस, दूसरा एफिशिएंसी और थर्ड है इफ़ेक्टिवनेस। अब हमने एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस की बात तो कर ली थी बट प्रोसेस की बात हमने नहीं की थी। अब देखिए प्रोसेस किस लिए यहाँ पर आता है। प्रोसेस में बहुत सारे प्राइमरी फंक्शंस होते हैं हमारे मैनेजमेंट के जो कि इंक्लूड होते हैं। इन प्राइमरी फंक्शंस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये फाइव फंक्शंस आते हैं। इन फाइव फंक्शंस का नेक्स्ट चैप्टर्स दे रखे हैं, उन चैप्टर्स में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए इफ़िशेंसी और इफ़ेक्टिवनेस को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैनेजमेंट एट टाइम्स हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज विद इफ़िशेंसी। फॉर एग्जांपल, इट इज़ ईजियर टू बी इफेक्टिव एंड इग्नोर इफ़िशेंसी, दैट इज़ कम्प्लीट द गिवन टास्क बट एट अ हाई कॉस्ट। इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट जो होता है कभी कभी उसको इफ़िशेंसी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यानी कि हम कभी कभी इफ़ेक्टिवनेस के थ्रू अपना वर्क तो कम्प्लीट कर देते हैं, अपना टास्क तो कम्प्लीट कर देते हैं बट एक हायर कॉस्ट पर, यानी कि हम इफ़िशेंसी को मेनटेन कर नहीं पाते। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं इसमें तो हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज अ कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज 20,000 यूनिट इन अ ईयर। यानी कि कंपनी का जो टारगेट प्रोडक्शन है वो 20,000 यूनिट्स है एक साल का। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट ऑन डाउट डबल शिफ्ट्स ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी कि कभी कभी लाइट चली जाती है, कभी कभी बिजली चली जाती है, जिसकी वजह से जो मैनेजर है उसको दो शिफ्ट्स में या फिर डबल शिफ्ट्स में काम करना पड़ रहा है। अब मैनेजर ने अपना टास्क तो कंप्लीट कर लिया 20,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का बट हाई कॉस्ट आ गई। अब इस एग्जांपल में देखें तो जो हमारी इफ़िशेंसी थी वो तो मेंटेन नहीं रह पाई बट जो हमारी इफ़ेक्टिवनेस थी वो मेंटेन रही। अगर हम बात करें मैनेजमेंट के लिए इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा ज़रूरी है या फिर इफ़िशेंसी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इफ़िशेंसी और इफ़ेक्टिवनेस दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि इफ़िशेंसी और इफ़ेक्टिवनेस हमारे ऐसे दो टर्म्स हैं, अगर इसमें से कोई एक भी फॉलो नहीं होता है ना तो जो हमारा मैनेजमेंट है वो स्मूथली वर्क नहीं कर पाएगा। अभी हमने एग्जांपल लिया इफ़ेक्टिवनेस का जिसमें एफिशिएंसी मेंटेन नहीं हो रही थी। अभी हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें एफिशिएंसी मेंटेन हो रही है बट इफ़ेक्टिवनेस मेंटेन नहीं हो रही है। लेट्स टेक एग्जांपल। एट टाइम्स आर बिजनेस मे कंसनट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद फ्यूअर रिसोर्सेज, दैट इज़ कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन। कभी कभी जो हमारा वो होता है फर्म होता है, कभी कभी जो हमारा बिजनेस होता है, हम प्रोडक्शन जो होता है हमारा, जो हमारा टारगेट करना रहता है कि हमें इतना प्रोडक्शन करना है साल में, वो हम अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉस्ट होता है ना उसको मिनिमम कर देते हैं, हम उसको कट डाउन कर देते हैं। कट डाउन करने के बाद भी हम अपने प्रोडक्शन को, हम अपने टारगेट प्रोडक्शन को अचीव नहीं कर पाते, हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते।
Consequently, the goods do not reach the market and hence the demand for them declines and competitors enter the market. अब देखिए जो हम अपनी डिमांड होती है हम अपनी मार्केट को वो एक सही टाइम पर हम नहीं दे पाते नहीं पहुंचा पाते जिसका हमारे मार्केट पर एक अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता हमारा इसी वजह से जो हमारी डिमांड होती है ना वो हमारी डिक्लाइन यानी कि हमारी कम होती रहती है हमारी घटती रहती हैं और इसी वजह से जो कंपटीटर्स होते हैं वो हमारे मार्केट में एंटर करते हैं इसीलिए बोला जाता है कि इफेक्टिवनेस और इफ़िशेंसी दोनों ही काफ़ी ज़रूरी होती हैं हमारे मैनेजमेंट के लिए क्योंकि इसी के थ्रू हमारा जो मैनेजमेंट है वो वर्क करता है अगर हम पुअर मैनेजमेंट का रीज़न बोलें तो पुअर मैनेजमेंट इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर इफ़िशेंसी और इफेक्टिवनेस मेंटेन रही नहीं रहती तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग